सोशल मीडिया और टीवी पर आए दिन आसमा जंगीर जो अपनी बहन के साथ मिलकर बेसहारा औरतों को पनाह देने की आड़ में सप्लाई के मकरू धंधे या एक्सपोर्ट वाले माल पर चाइल्ड लेबर ना होने का सर्टिफिकेट उसकी जेब गर्म करने वाले को देने वाली कादियानी छनाले हों या आतफ तोकीर, नजम सेठी, इम्तियाज आलम, फरजाना बारी, खोरो वजाहत मसूद जैसी चाम चिट्ठें कादियानियों की विठें जिनको ना दीन की समझ और ना ही अवामुल नास के जज्बात की कदर, बस एक ही रटा रटाया इस्लाम फोबिया के तासुब से पुर फिक्रा दोहराते रहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे मुसलमान होने का साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि मेरे अकायद का ताल्लुक मेरे और खुदा ताला के दरमियान है, लिहाजा इसके लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अभी इन चाम चिट्ठों का यह जुमला पूरा भी नहीं होता कि हर तरफ से मीडिया के पेशावर कादियानी चीखे, वाह क्या बात है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो किसी को मुसलमान होने का सर्टिफिकेट दे कि मामला मेरे और मेरे रब का है, हाथ में मार्क्स या माओ की सुर्ख किताब और बगल में अपने नबी मिर्ज़ा की किताब रूहानी खजाइन दबा रखने वाले, कल तक प्रोलतारिया इनकलाब के सुहाने गीत सुनाने वाले और आज के वन वर्ल्ड ऑर्डर के इंसान दुश्मन नगमे की धुन पर रक्स करने वाले ज़िया और मुल्ला पर तबरला की बारिश शुरू कर देते हैं। चलें ये अफराद जो 70-80 की दहाइयों में अपने मर्ज़ई शनाख्त को छुपाकर फिर भी सियासी सरगर्मियों में चाहे ज़िया के एजेंट के तौर पर ही काम करते रहे, मगर सोशल मीडिया में तो ऐसी गंदी मक्खियां भी हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी ना तो किसी सियासी सरगर्मी में कभी हिस्सा लिया और ना ही कभी किसी तहरीक में शामिल हुए। पाकिस्तान में बेरोज़गारी भुक नांग के मारे किसी तरह से मगरब में आबाद हुए, मगर अपनी असलियत को बुला अपने छछोड़ेपन का मुजहरा अब दहर या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या प्रोफेसर की खुद साख्ता पहचान से सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बदबूदार घटिया ज़हनियत को लिबरलिज्म के दानश्वर के तौर पर देने वाले भी मौजूद हैं। ऐसी कादियानी बोली जो मुकम्मल तौर पर झूठ पर बुनियाद करती है बोलना शुरू हो जाते हैं, जिसमें मुल्ला मिलिट्री इत्तेहाद का गैर हकीकी तसव्वुर उजागर करने की कोशिश की जाती है, मगर मेरा दावा है कि असल इत्तेहाद कादियानी मिलिट्री है जिसकी शाहिद खुद पाकिस्तान की अपनी तारीख है कि 1953 में मिलिट्री ने कादियानियों के लिए मौलवियों को मारा है, कोई चाम चिट्ठ जो इससे इनकार कर सके। अयूब यया मिलिट्री दौर में कादियानी पाकिस्तान के माली वसाइल के मालक, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नौकरशाही का मजबूत तरीन हिस्सा रहे। जनरल ज़िया का मार्शल्ला यानी KMRF, ज़िया अख्तर रहमान, जनरल रहीम, जनरल अब्दुल सईद, जनरल इकबाल जैसे कादियानी पैरोकारों का लगाया मार्शल्ला था जो हर लिहाज से कादियानियों के लिए सुनहरी दौर साबित हुआ। ज़िया ने अपने कादियानी पस मंज़र पर पर्दा डालने के लिए दीन इस्लाम को जग अज़ाई और कादियानियों को मज़लूम साबित करने की खातर 1984 में एक मबहम सा बिल बना डाला और पाकिस्तान के बेशरम देवबंदी वहाबी जमात गैर इस्लामी उल्मा ने यह जान कर भी कि ज़िया खुद कादियानी है मगर उसको इस बिल की डाल पर एंटी कादियानी की शोहरत दे डाली। मुशर्रफ मिलिट्री दौरे हकूमत में चौधरी शुजात और शौकत अज़ीज़ कादियानी वज़ीर आज़म रहे, मजहबी अमूर तक का वज़ीर एक कादियानी यानी इजाज़ुल हक बनाया गया। इस सच के बावजूद कोई सेकुलर लिबरल मोमबत्ती माफिया कभी ये कहने की जुरत नहीं करता कि कादियानी मिलिट्री इत्तेहाद मुर्दाबाद। चलें ये सब तो माजी का हिस्सा है, अगर
आज ये मुतालबा करने वालों के धरने पर फौजी एक्शन होने की सूरत में उल्मा और उनका साथ देने वालों पर गोली चलाकर शहीद कर दिया गया, जो कादियानियों और उनके हामियों को इदारों से निकालने इस्तीफा देने का मुतालबा कर रहे हैं, तो फिर कौन माई का लाल मुल्ला मिलिट्री इतिहाद का ताना देगा? कि शर्म इनको नहीं आती, बिलाशुबा कादियानी माफिया ने अपने मर्जई ज़िया के ज़रिए इस्लाम को बदनाम, पाकिस्तान को फिरका वारियत में मुब्तला करने के लिए मुल्क की आबादी के 15% वहाबी देवबंदी मौलवियों को मरात ज़रूर दी, जिनको मुल्ला मिलिट्री का नाम इसलिए दिया गया कि अवाम कादियानी मिलिट्री इत्तेहाद की तरफ मतवज्जे ही ना हो सकें। इसलिए जो कोई भी मुल्ला मिलिट्री अलाइन की बात करता है तो समझ लो कि असल मामला क्या है। अब जैसा कि मीडिया पर बिन बनाने वाली गंदी मक्खियों का ये वावेला कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे अपने मुसलमान होने को साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, कि मेरे दीनी अकायद का ताल्लुक मेरा और मेरे खुदा का है, लिहाजा इसलिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, इन मक्खियों के मुंह को हमेशा के लिए ताला लगाने और इनका मर्जई ज़िया और खारजियों का इत्तहादी होना बेनकाब इस तारीखी हकीकत से कर रहा हूँ कि जिस दिन 5 जुलाई 1977 को ज़िया ने मार्शल्ला का नफाद किया और उसी दिन उस कंजर ने ये जुमला कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे अपना मुसलमान होना साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कि मेरे अकायद का ताल्लुक मेरे और मेरे खुदा का है, लिहाजा इसलिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और आज अगर जो लोग यही जुमला दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो समझ लिया जाए कि ये अपने रूहानी या असल वाले वालद साहब जनाब मोहतरम जनरल ज़ियाउल हक की औलाद होने का मुकम्मल सबूत फराहम कर रहे हैं कि इनका बाप तो मर खप गया, मगर सेकुलर लिबरल रोशन फिक्र कहलवाने वालों ने अपने वालद की बोली बोलने की रवायत को जिंदा रखा है। जाहिर है ये नापाक तबका मेरी इस बात से तो इत्तफाक नहीं करेगा कि ज़िया ने सबसे पहले कहा था कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे मुसलमान होने को साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ये मामला मेरा और मेरे रब का है, लिहाजा किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। बेशक प्लीज मोमबत्ती माफिया ज़िया कंजर का इजाद करदा मोटो ही आज तक दोहराते चले आ रहे हैं, मगर मैं ये दावा अपनी तरफ से पेश नहीं कर रहा, बल्कि इसके सबूत के तौर पर मर्ज़ईयों की एक नामी ग्रामी शख्सियत साकब ज़ेरवी, जो एक शायर भी था और मर्ज़ई खलीफा का सेक्रेटरी भी था, इसकी ज़बानी हर कोई ये दावा सुन सकता है। मुझे मौलवी या झूठा कहने का ताना देने से कबल मीडिया पर काबज़ कादियानियों की विठों को मर्ज़ईयों को झूठा करार देना पड़ेगा। अब अगर ये क्लिप सुन फिर भी अगर कोई ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे अपना मुसलमान होना साबित करने पर किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ऐसा कहने वाले ने ज़िया मर्ज़ई को अपना बाप मान लिया है, कि बाप का पैगाम औलाद ही आम करती है। मेरा तो तजर्बा है, चशमदीद हूँ कि ज़िया कादियानी वहाबी देवबंदी जमात गैर इस्लामी लिबरल सेकुलर या मोमबत्ती माफिया एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इनके नापाक इत्तेहाद से नक्शे अमन, फिरका वारियत, मुंशियात, डॉलर साख्ता जहादी, खुदकश तक पैदा हुए हैं। इस तबके के खिलाफ जानकारी देना भी एक जहाद है। पाक फौज के अफसरान को अपनी इस्लामी गैरत का मुजाहरा दिखाने का ये एक सुनहरी मौका है कि वो नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को बदलने के सहूनी ऑर्डर को यकसर मुस्तरद करें, राना सना जाद अहमद नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके सख्त सजा दें। अगर ऐसा ना किया गया तो नामूसे रसालत के बाद सहूनी पाकिस्तान के एटमी असासों को ख़त्म करने
में कामयाब हो जाएंगे और इसके बाद जंगल का अकेला शेर भारत पाकिस्तान को तबाह करने आ जाएगा, जिसको रोकना मुमकिन नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान को बचाने के लिए ज़रूरी है कि कादियानी माफिया को कमज़ोर किया जाए। फ़ौज और दीगर इदारों से तीन जमाती माफिया की को जड़ से उखेड़ दिया जाए। खादम हुसैन, पीर अफजल जलाली, सैफी उल्मा और धरने में शरीक हार मेलादी की अजमत को सलाम। बात को आगे बढ़ाते रहे, हत्ता या उनसे, हालांकि पहली दफा जिंदगी में सिर्फ एक मुलाकात हुई, वो 7 जुलाई 5 जुलाई 77 को आए थे, तो यहाँ 26 या 27 को लाहौर में आए। तो उन्होंने एडिटर्स को बुलाया, एडिटर्स में उन दिनों व्यू पॉइंट, चट्टान और लाहौर डेलीज के साथ एट पार ट्रीट होते थे। हमें भी बुलाया गया। अब जाहिर है कि एक आदमी राइफल के जोर पे आया है, इस सूरत हालात में आया है, तो अखबार में ही समझते थे कि ये तो रहेगा। तो बड़े टिप टॉप यानी बड़े सूट बूट लोग पहुंचे, और वो जब सवाल करते थे तो इस तरह के, जैसे हम मुतमिन हैं वैसे तो, लेकिन यूं ही सवाल किया है। मैं और मजहर अली खान सबसे पीछे बैठे हुए थे, व्यू पॉइंट वाले। जी हाँ, तो मैंने कहा मजहर तुम भी सवाल करो कोई, वरना हम पर आ जाएगी बात। तो उन्होंने कहा जनाब बात ये है, उठ खड़े हुए यूं ही उन्होंने एक सवाल किया, जिसका जवाब उन्होंने माकूलियत से दिया। जब इधर उधर खत्म हो गया तो वो बाकायदा उन्होंने, जनरल साहब ने मेरा नाम लेकर कहा कि जनाब आपने कोई सवाल नहीं किया। मैंने कहा साहब सवाल तो कोई रह नहीं गया, मैं क्या कब पूछूं। नहीं नहीं अगर आपको कोई अश्काल हो, कोई जेहन में को खलिश हो, तो वो फरमाया मैं इंशाल्लाह आपको मुतमिन करूंगा। यानी उस पहले तो मैं हैरान हुआ कि ये आया है तो उसके मेरा नाम का कैसे पता है। खैर साहब मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा साहब फिर वो जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। नहीं नहीं आप फरमाएं जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा आपने 5 जुलाई 77 को जो तकरीर फरमाई थी उसमें एक फिक्रा था कि मैं मुसलमान हूं और मुझे अपने इस्लाम के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये आपने फरमाया था ना। हाँ हाँ मैंने कहा था भाई, वो रोहिदाद खान उन दिनों इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे, रोहिदाद खान इनको वो पैम्फलेट नहीं भेजा, हमने तो पैम्फलेट भी छापा। मैंने कहा साहब वो पैम्फलेट भी मुझे मिला, तकरीर भी मैंने सुनी थी आपकी, मैं आपके मुंह से जरा वो कंधे मुकर्रर का लुत्फ और होता है ना। कह लिया हाँ हाँ मैंने कहा था। मैंने कहा उसके बाद 23 तारीख को कहान इंटरनेशनल को आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने फरमाया कि मुझे PNA के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। साहब PNA तो कहा उर्फ आम में तो बात यही मशहूर है कि वो वही लाई आपको। कह लगे PNA क्या चीज है, ये मेरे अकायद का मेरे खुदा तला से मामला है, मेरा और खुदा का रिश्ता है, इसमें PNA का कैसे दखल दे सकती। मैंने कहा साहब फिर मैं आप गुजारिश करूं। आप कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं, मैं तो आपका बड़ा सीनियर मोस्ट जनरल समझता था। मैंने कहा साहब बस ऐसा ही है, आप समझते हैं तो आपकी हुसनजनी है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मुझे आप अपने इस्लाम के लिए आपके सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत पड़ती है। वो खड़ा हो गया शख्स, वो साकिब साहब ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, मैं इंशाल्लाह आपको अवान सदर में वहां दावत दूंगा, 2-3 घंटे इस पे बात होगी इंशाल्लाह। रुदाद खान इनको जरा जहमत दो किस दिन आए। तो वो, कर गया।